नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्टिंग नहीं अनशॉर्ट के बारे में। जी हां, आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कीजिएगा। और इसकी सेकेंड पार्ट भी है, तो अगर इसकी सेकेंड पार्ट आपको देखना होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं अपलोड करूँगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अनशॉर्ट का, और हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। हमारे साथ गुरदीप जी और अजय जी जूम के थ्रू ज्वाइन है। आप लोग भी जूम के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाइए और डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए। तो यहाँ पे राजेश जी एंड गुरदीप जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं अनशॉर्ट के। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमने डेटा लिया, याद रखिएगा ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम का है। शॉर्ट करने के बाद अनशॉर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेल में। शॉर्ट करने के बाद अनशॉर्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगा कि मुझे डेटा को अनशॉर्ट करना पड़ सकता है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, लास्ट में एक सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, ओके, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। अब आप जिसको जैसे मर्जी आप जो है शॉर्ट कीजिए। अगर आपके पहले से सीरियल नंबर है तो ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नया ऐड कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, कई सारे शॉर्ट्स हमने किए, लेकिन अब पता चला कि नहीं यार बिगड़ गया डेटा, जैसा था वैसा करना है। तो वापस सीरियल नंबर पे आएंगे और शॉर्ट ए टू जेड कर देंगे, तो हमारा डेटा पहले की तरह शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके अलावा और भी शॉर्ट के फीचर्स से आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास क्या होता था कि एक रिपोर्ट आती थी, जैसे कि नेम हो गया, नेम दे देता हूँ, एक रिपोर्ट हमें मिलती थी, उसमें मुझे हम लोगों का क्या करना होता था कि टारगेट निकालना होता था। एक प्रोडक्ट वाइज हमें, जितना भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज हमें सेल आता था। अब 31 दिन का 31 भी हो सकते हैं, 100-200 प्रोडक्ट भी हो सकते थे। तो इस तरह से उसकी क्वांटिटी हमें आता था। और हमारे बॉस का कहना था कि जो क्वांटिटी है इससे हमें लेना देना नहीं है, कि क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी उसने सेल की है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बताओ किसने अपना टारगेट का कितना परसेंट अचीव किया, उसको जो टारगेट है मिला है उसका कितना परसेंट अचीव किया। तो सबको मान लीजिए 70 टारगेट मिला हुआ है, तो मुझे सबका यहाँ पर उसका टारगेट का परसेंटेज शो करना है। तो हमें क्या करना होता था कि हम मैनुअली कॉलम इंसर्ट करते थे, यहाँ पे परसेंटेज का या जो भी टारगेट परसेंटेज का जो हेडिंग होता था वो हेडिंग को देते, फिर इसके ऊपर डिवाइड बाय 70 या जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट करते थे, फिर नीचे तक ड्रैग करते थे, फिर इसके ऊपर हम परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते। और ये तरीका मुझे हर दिन करना पड़ा, हर कॉलम के लिए करना पड़ता था। अब मान लीजिए 100-200 कॉलम्स हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना जी। तो इसके लिए हमें एक तरीका ढूंढना था, शॉर्टिंग का ही तरीका था। हम क्या करते थे कि यहाँ पे एक कॉलम, एक रो इंसर्ट करते थे इसकी, और यहाँ पे सीक्वेंस नंबर देते थे, जो कि हमने आपको लास्ट क्लास में जो तरीका समझाया था। अब कुछ लोग बोलते हैं सर शॉर्ट तो टॉप टू बॉटम होता है, लेफ्ट टू राइट कैसे करेंगे सर? हम लेफ्ट टू राइट भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने देखिए हमने इसको कर दिया, इसके बाद जो हेडिंग है यहाँ पे हेडिंग डालना है परसेंटेज का, तो परसेंटेज का हमने हेडिंग डाल दिया। अब हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हेडिंग को जो नेम वाली है उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद जाएंगे हम सॉर्ट में, कस्टम सॉर्ट। कस्टम शॉर्ट में यहाँ ऑप्शन पे आके मैं करूँगा शॉर्ट लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे जाके, तो यहाँ पे आपको रोज आ जाएंगे। तो पहले रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो हमने पहले रो के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया, इससे क्या हुआ,
इससे हुआ कि हर रो के बाद एक ब्लैंक रो और हेडिंग जो हमारा परसेंटेज का हेडिंग है ऊपर हेडिंग आता है। राइट सर? राइट सर, राइट। अब यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व हो गई, अब दूसरी प्रॉब्लम है कि मुझे इसको डिवाइड करना है 70 से और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा? तो इसकी भी तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट कर लें और यहाँ फाइन एंड सेलेक्ट में जाते हैं तो आता है गो टू स्पेशल, फाइन एंड सेलेक्ट में गो टू स्पेशल आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करें? तो यहाँ पे एक ब्लैंक दिख रहा है, तो इस गो टू स्पेशल का क्या है, सिलेक्शन क्रिएट करता है। आपका जो सिलेक्टेड एरिया में है उसमें से जो भी आप यहाँ पे पार्टिकुलर चूज करेंगे उसका सिलेक्शन क्रिएट करेगा। इसमें हमने ब्लैंक सेलेक्ट किया तो इसमें ब्लैंक को सिलेक्ट कर दिया। अब एक एक रोल है हमारे पास, जैसे कि आपने एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है, इसमें कोई भी टाइप कुछ भी टाइप करके एंटर मारेंगे तो जो एक जो हाईलाइट होगा वाइट कलर वाइट में वो होगा। लेकिन अगर आपने एंटर के जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया तो उसी को कॉपी करके पूरे सिलेक्टेड एरिया में पेस्ट कर, ठीक है? तो सेम चीज हम यहां करने जा रहे हैं कि हमने क्या किया कि 40 डिवाइड बाय 70। अब यहां पे हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे, हम करेंगे कंट्रोल एंटर। जैसे कंट्रोल एंटर किया आपने देखा कि आपका पूरा का पूरा एरिया में फॉर्मूला लग गया। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूं और आप देखिए, ठीक है सर? अब मान लीजिए मुझे जितना भी फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हाईलाइट करना है, समझ गए सर? तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक और तरीका से किया जा सकता है कि हम यहां फाइनल सेलेक्ट के गो टू में चले जाएंगे और फिर यहाँ जो है हमारे पास आता है फॉर्मूला, और फॉर्मूला में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, ब्लैंक चाहिए, तो हमारा नंबर ही है तो सिर्फ नंबर ही ले, बाकी सब कुछ नहीं है। तो यह उसके लिए होता है जैसे टेक्स्ट आया हुआ है तो टेक्स्ट को छोड़ देना है। तो जैसे ओके कीजिएगा आपका फॉर्मूला एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। आप फॉर्मूला एरिया को कलर कर दीजिए जिस कलर से करना चाहते हैं आप। ओके अच्छा, एक चीज और होता है, कभी कभी क्या होता है हम लोग फिल्टर यूज करते हैं। तो फिल्टर में क्या होता है कि हमारे पास कि यहाँ ब्लैंक है तो मैं चाहता हूँ जो ब्लैंक एरिया है, मान लीजिए हाइड है, माफ कीजिएगा, फिल्टर से हमारा हाइड हो गया, लेकिन जब हम कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो वो हाइड एरिया भी कभी कभी पेस्ट हो जाता है। देखिए 36 के बाद 52 पेस्ट हो गया। तो हम चाहते हैं कि नहीं नहीं जो सिलेक्टेड है वही पेस्ट हो। जैसे मान लीजिए 52 को सिलेक्ट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, देखिए पूरा आ रहा है। देखिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो सिलेक्टेड एरिया है वही कॉपी पेस्ट हो। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एंड कॉपी करने से पहले आपको जाना होगा फाइन एंड सेलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल और इसमें सेलेक्ट करना होगा विजुअल सेल्स ओनली, विजुअल सेल्स ओनली, देन ओके, देन इसको कॉपी कीजिए और कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर जी, एक मिनट। तो यूट्यूबर्स आपने देखा किस तरीके से मैंने अभी ट्रिक्स अप्लाया, और आपको इसी तरह की और ट्रिक्स चाहिए तो मेरे सेकेंड पार्ट को देखिएगा। सेकेंड पार्ट को देखने के लिए मेरी वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।